everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor, Marine Engineering Lectures. This is our 10th lectures on marine pumps. So before going to start the lectures, my important announcement karna chahunga. Yesterday, maine ek Instagram par page open kiya and the name of the page is Marine Tutor. Marine Tutor name ki maine page start kiya Instagram par. Wahan par different contents main post kar raha hu. स्मॉल वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, वीडियोस रिलेटेड टू टेक्निकल विच इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर कंटेंट रिलेटेड सच एज मरीन रिपेयर एंड ऑक्सिलरी मशीन्स ट्रबल शूटिंग्स और ऑक्सिलरी मशीन्स रूटीन मेंटेनेंस ओके टीएमई इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर वहां पर मैं शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये प्लेटफॉर्म क्यों ओपन किया बिकॉज मैं चाहता हूं कि जो मरीन ट्यूटर है ओके मरीन ट्यूटर की प्लेटफॉर्म मैं इंक्रीज करना चाहता हूं ऑडियंस इंक्रीज करना चाहता हूं ताकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट करें ओके तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहां पर रेगुलर लेक्चर्स आएगी जो भी हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो रेगुलर लेक्चर सीरीज होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी बट जो मैंने इंस्टाग्राम पर पेज ओपन किया है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीजें शेयर करना पॉसिबल नहीं है Like 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes वीडियो मैं YouTube पर शेयर करूंगा तो मैं कुछ डिफिकल्टी फेस करूंगा इसलिए मैंने Instagram ओपन किया है ओके Instagram जो पेज होगी मरीन ट्यूटर की वहां पर डिफरेंट कंटेंट आएंगे ओके सो आप उस पेज पर जाओ उस पेज को फॉलो करो ओके एंड टेक्निकल डिस्कशंस पे पार्टिसिपेट करो ओके मैं भी लर्निंग फेज पे हूं आप भी लर्निंग फेज पे हो ओके दैट्स व्हाई लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विद मरीन ट्यूटर ओके तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी गई है ओके आप जाएं और पेज को फॉलो करें वहां पर डिफरेंट छोटे छोटे टेक्निकल वीडियोस आते हैं लाइक मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है हाउ आईसी इंजिन इज डिफर फ्रॉम एक्सटर्नल कंबसन इंजिन ओके विच इज Nowadays, which is mostly asked questions by marine surveyor. Okay, so ऐसे questions, okay, ऐसे technical discussions वहां पर होगी छोटी technical discussions होगी So please, आप descriptions पे जाएं और वहां पर उस channel को और उस page को follow करें Okay, so without wasting much time, okay, हम अपने regular lectures पे आते हैं and this is our 10th lectures on marine pump and our today's lectures is all about different components such as वियर रिंग साफ्ट स्लीव्स एंड लैंटर्न रिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल सील्स एंड पैकिंग सील्स ओके अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मरीन पंप्स की उस प्लेलिस्ट में आप मैकेनिकल सील्स लेक्चर्स रेफर कीजिए वहां आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर से पढ़ा था ओके तो हमारी पैकिंग सील्स और कंप्रेशन सील्स क्या होती है सपोज ये हमारी सॉफ्ट है ओके ये हमारी सॉफ्ट है अब यहां पर हमारी क्या होती है पैकिंग सील्स अगर है तो पैकिंग सील्स और कंप्रेशन सील्स क्या होती है एक रोप जो होती है साफ में हमारी ओंड होती है ओके ये रोप जो होती है साफ में ओंड होती है तो वो क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वियर आउट की रैपिड होती है ओके वो जल्दी वियर आउट हो जाती है ओके तो दैट्स व्हाई एक्चुअली मैकेनिकल सील इज अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ पैकिंग सील्स और ग्लैंड पैकिंग बट ऑल्सो अभी भी ग्लैंड पैकिंग सील्स आप देख सकते हो पंप्स में होती है ओके सो आज की हमारी लेक्चर से फर्स्ट टॉपिक दैट इज वियर रिंग ओके टॉपिक है हमारी वियर रिंग ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वियर रिंग इज अ रिप्लेसेबल रिंग ओके ये हमारी क्या होती है रिप्लेसेबल रिंग होती है एंड वियर रिंग ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू वियर रिंग एक्चुअली व्हाट हैपेंड देयर इज वन इंपेलर ओके एंड इंपेलर एंड देयर इज वन केसिंग ओके द रोटरी पार्ट विच इज कॉल्ड इंपेलर ओके व्हाई इट इज रोटरी पार्ट बिकॉज इट इज द बोर ऑफ इंपेलर इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट ओके एंड दैट शाफ्ट इज कपल्ड विद मोटर ओके एज सून एज वी सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दैट मोटर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी दैट मैकेनिकल एनर्जी यू यूटिलाइज टू ड्राइव द शाफ्ट ओके एंड हेंस इंपेलर रोटेट्स सो दैट्स व्हाई इंपेलर इज अ रोटेटिंग पार्ट ओके बट केसिंग इज स्टेशनरी पार्ट ओके केसिंग हमारी क्या स्टेशनरी पार्ट है हमारी इंपेलर जो हमारी रोटरी पार्ट है ओके तो हमारी स्मॉल क्लियरेंस होती है बिटवीन इंपेलर एंड केसिंग ओके प्रीरिक्विजिट पे मैं आता हूं ओके मेरी इनिशियल लेक्चर्स सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की
की जब मैं सेंट्रल बल फॉर्म ड्रॉ कर रहा था वहां पर आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा था, ओके, तो मैंने आपको सब कुछ वैलिड केसिंग दिया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी स्मॉल क्लियरेंस थी बिटवीन इंपेलर एंड बट केसिंग ना। अब हमारे केसिंग्स में क्या होती है, प्रेशराइज लिक्विड होती है, प्रेशराइज लिक्विड लेट इट बी वाटर, ओके, हमारी प्रेशराइज वाटर होगी तो हमारी क्या होगी, चांसेस होगी हमारी केसिंग्स से हमारी वाटर लीक होने की, ओके, एंड वो हमारी केसिंग्स से अगर वाटर लीक होगी तो हमारी कहां कहां जा सकती है, मींस ये हमारी शाफ्ट के थ्रू ट्रेवल कर सकती है एंड ये डायरेक्टली हमारी इंपेलर्स पे जा सकती है, ओके, एंड अगर अगर हमारी इंपेलर पे जाती है तो हमारी इंपेलर क्या होगी, वेयर डाउन होगी, कोरोजन होगी, इरोजन होगी, जिससे हमारी पंप की फ्रीक्वेंसी जो असेंबलिंग डिसेंबलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी इंक्रीज होगी जिससे हमारी पंप की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, ओके, सपोज कहीं भी कुछ भी लीकेज अगर हो रही है पंप्स में आपके, ओके, सपोज अगर हमारी लीकेज हो रही है पंप में तो हमारी इससे क्या होगी, ओके, इससे हमारी क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्या आएगी, असेंबलिंग डिसेंबलिंग से हम पंप्स को ओवरऑल करेंगे, ओके, तो जितनी बार आप ओवरऑल करोगे उतनी हमारी पंप्स की एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी, ओके, सो तो इंपेलर्स को ओके इंपेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी वियर रिंग कम्स इनटू द पिक्चर, ओके, वियर रिंग इज अ रिप्रेसिबल रिंग, ओके, विच प्रोटेक्ट्स द इंपेलर, ओके, कोरोजन इरोजन, ओके, उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है वियर रिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड वियर रिंग, ओके, नाउ सो जो वियर रिंग जो होती है, ओके, अगर मैं इसकी आपको मीन्स विजुअलाइजेशन दू, ओके, तो यहां पर हमारी सपोज ओके दिस इज व्हाट कॉल्ड इंपेलर, ओके, एंड दिस इज बोर ऑफ इंपेलर, ओके, व्हिच इज कनेक्टेड विथ शाफ्ट, ओके, नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड वियर रिंग, दिस इज व्हाट कॉल्ड वियर रिंग, ओके, ये हमारी इंपेलर है, ये हमारी बोर ऑफ इंपेलर है एंड ये हमारी क्या है वियर रिंग, जो मैंने रेड कलर की सर्कुलर सर्कल दिखाया वो हमारी क्या है वियर रिंग है, ओके, एंड यहां पर हमारी क्या होती है ग्रब स्क्रू वगैरह फिटेड होती है, ओके, नाउ अब सपोज अगर हमारी जो भी केसिंग से हाई प्रेशर वाटर अगर लीक हो रही है तो हमारी कहां जाएगी, हमारी वियर रिंग पर जाएगी, ओके, मीन्स हमारी वियर रिंग इज एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर द इंपेलर, ओके, वो हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह है, ओके, तो हमारी कोरोजन इरोजन वो कौन होगी, हमारी वियर रिंग होगी एंड हेंस वियर रिंग प्रोटेक्ट्स आवर इंपेलर, ओके, तो ये हमारी वियर रिंग होती है, ओके, सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वियर रिंग, नाउ कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज कॉल्ड लैंटर्न रिंग, ओके, लैंटर्न रिंग, सो व्हाट इज कॉल्ड लैंटर्न रिंग, ओके, लैंटर्न रिंग इज मीन्स ये ब्रास रिंग होती है, ओके, नाउ सेकंड थिंग जो हमारी लैंटर्न रिंग होती है, ओके, ये हमारी बिटवीन कंप्रेशन रिंग के बीच में हमारी प्लेस्ड होती है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द कंप्रेशन रिंग्स, ओके, अरे ओके, नाउ लैंटर्न रिंग, जो लैंटर्न रिंग होती है इट इज प्लेस्ड बिटवीन द कंप्रेशन रिंग, ओके, कंप्रेशन रिंग्स के बीच में हमारी प्लेस्ड होती है, व्हाट इज कंप्रेशन रिंग, मैंने स्टार्टिंग में था, सपोज दिस इज अ शाफ्ट, ये हमारी शाफ्ट है, ओके, एंड ये शाफ्ट में अगर हम लोगों ने सपोज कंप्रेशन रिंग प्रोवाइड किया, कंप्रेशन रिंग क्या होगी, हमारी रोप की तरह हमारी ओंड होगी, ओके, रोप की तरह हमारी ओंड होगी, तो बिटवीन कंप्रेशन रिंग हमारी लैंटर्न रिंग प्रेजेंट होती है, सपोज ये हमारी कंप्रेशन रिंग है, ओके, ये हमारी कंप्रेशन रिंग है, ओके, ये हमारी कंप्रेशन रिंग है, ओके, सपोज ये हमारी कंप्रेशन रिंग है, तो ये हमारी यहां पर क्या होगी, लैंटर्न रिंग होगी, ओके, एंड अगेन ये हमारी क्या होगी, कंप्रेशन रिंग, ओके, सो बिटवीन कंप्रेशन रिंग हमारी लैंटर्न रिंग होती है, सो लैंटर्न रिंग व्हाई मींस व्हाई लैंटर्न रिंग इज यूज्ड देयर, ओके, बिकॉज एक्चुअली इन पैकिंग ग्लैंड पैकिंग, ओके, मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल सील, ओके, ये लैंटर्न रिंग इज ओनली यूज्ड वेयर पैकिंग सील्स और ग्लैंड पैकिंग सील्स अरेंजमेंट इज देयर इन सेंट्रल पंप, देयर ओनली दैट लैंटर्न रिंग इज यूज्ड, लैंटर्न रिंग जो हमारी होती है वो प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है, किसके लिए, स्टफिंग बॉक्स के लिए, एंड लैंटर्न रिंग हमारी कहां यूज होती है, जहां हमारी ग्लैंड पैकिंग अरेंजमेंट होती है, ओके, वहीं हमारी लैंटर्न रिंग यूज होती है, क्यों यूज होती है, बिकॉज ग्लैंड पैकिंग अरेंजमेंट में हमारी क्या होती है, जो हीट
हीटिंग जो होती है वो हमारी फ्रीक्वेंट हीटिंग होती है, मीन्स हमारी जो हीट डेवलप जो होती है वो हमारी ज्यादा हीट डेवलप होती है, इसलिए हमारी वहां पर कूलिंग की जरूरत होती है। एंड दैट कूलिंग मीडिया इज प्रोवाइडेड थ्रू लैंटर्न रिंग, मीन्स लैंटर्न रिंग हमारी क्या लुब्रिकेशन की तरह भी एक्ट करती है, ये लुब्रिकेट करती है हमारी पैकिंग ग्लांस पैकिंग एंड सील्स को। ओके फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो हमारी लैंटर्न रिंग होती है हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह है, ओके प्रोटेक्ट स्टफिंग बॉक्स, ये स्टफिंग बॉक्स को प्रोटेक्ट करती है। ओके नाउ और लास्ट पार्टी साफ स्लीव। सो साफ थिंग पार्ट एक्चुअली कॉल्ड बॉडी एंड स्लीव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीव एक्चुअली? सपोज अज्यूम दिस इज व्हाट कॉल्ड सॉफ्ट, ओके ये हमारी सॉफ्ट है। एंड व्हाट इज स्लीव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीव? Sleeve is a part of garments that covers an arm. Okay, sleeve is a part of garment that covers an arm. Okay, तो ये हमारी क्या है? Suppose अगर हमारी soft है तो soft के ऊपर जो हमारी garment होगी, जो हमारी soft को cover करेगी, वही हमारी sleeve होगी। Means हमारी क्या है? Soft sleeve हमारी क्या है? Protective layer है और protective means materials है जो हमारी soft को protect करती है। Okay, मैं आपको visualization से कुछ आपको मीन्स ड्रॉइंग करके बताता हूं जिससे आपको कुछ क्लियर होगी। ओके सपोज दिस इज इंपेलर, ओके ओके बड़ी Now, this is what called impeller and this is rear rim, okay, rear rim, got it? Now, okay, now this is what called shaft, Now see, ये हमारी इंपेलर है, ओके एंड दिस पार्ट ये हमारी क्या है? वियर रिंग है, ओके एंड दिस वन ये हमारी क्या है? सॉफ्ट है, बट दिस वन ओके मैंने ऐसा बनाया, ओके ये ऐसा आप देख सकते हो, ये पार्ट जो है हमारी ये क्या है? सॉफ्ट स्लीव है। ओके तो ये सॉफ्ट स्लीव हमारी होती क्यों है? ओके मीन्स इसकी यूज क्या है? ओके सॉफ्ट स्लीव तो जो भी हमारी सपोज This is shaft. Okay. So one end of shaft is connected with impeller or bore of impeller. That is one end of shaft is connected with weight side of centrifugal pump. But one end of shaft is connected with motor. Okay. Means one end of shaft is connected with dry side of the centrifugal pump. But one end of the shaft is connected with weight side of centrifugal pump. So actually देर इज चांसेस, ओके चांसेस होती है लाइक बिकॉज ऑफ अगर सम कोई कोरोजिव मटेरियल्स है, ओके तो इससे हमारी क्या हो सकती है? साफ कोरोड हो सकती है। साफ हमारी एक्सपेंसिव होती है, जो भी हमारी साफ होती है वो हमारी एक्सपेंसिव होती है, ओके तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला तो व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ स्लीव? स्लीव इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ गार्मेंट विच कवर्स एन आर्म, ओके तो अब देख सकते हो ये पार्ट ऑफ गार्मेंट है जो एक आर्म को कवर कर रही है, एक बॉडी को कवर कर रही है, बॉडी इज कॉल्ड सॉफ्ट, ओके तो ये स्लीव हमारी सॉफ्ट को कवर कर रही है, ओके तो प्रोटेक्ट क्या क्यों कवर कर रही है? इससे क्या हो रहा है? हमारी कोरोजिव इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है, मैकेनिकल डैमेज हो सकती है सॉफ्ट की, उससे वो हमारी प्रोटेक्ट कर रही है, तो ओवरऑल ही हमारी क्या होती है? सॉफ्ट स्लीव होती है। ओके सो आई होप ये आपको क्लियर होगी। That is wear ring. हम लोगों ने wear ring पढ़ा, that is between wear ring हमारी क्या होती है? जो भी हमारी replaceable ring होती है and impeller and casings के बीच में हमारी wear ring होती है, and wear ring हमारी क्या करती है? Impeller को protect करती है, corrosion erosions को से हमारी impeller को बचाती है। Lantern ring हमारी क्या काम करती है? Lantern ring हमारी lubricate provide करती है, and lantern ring हमारी कहाँ use होती है? हमारी packing seals में use होती है, और ये हमारी lubrications provide करती है, means cooling provide करती है। ओके सो एंड नेक्स्ट थिंग हमारी लैंटर्न रिंग हमारी क्या करती है? स्टफिंग बॉक्स
को जो भी हमारी स्टफिंग बॉक्स में अगर हमारी एब्रेसिव्स मटेरियल्स आती है तो उसको रिमूव आउट करती है. ओके एंड थर्ड थिंग इज हम लोग क्या पढ़ा, सॉफ्ट स्लिप, मैंने अभी आपको बताया. ओके तो ये आज की हमारी लेक्चर्स थी. नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम फिर से बात करेंगे, सीरीज कंटिन्यू हमारी रहेगी. ओके एंड प्लीज इस लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बताएं कितनी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है. ओके स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.